प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रत्याशी संजय सक्सेना की प्रेस वार्ता। आज रामपुर पहुंचकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रत्याशी सातवीं लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार संजय सक्सेना ने जीनत होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन रामपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जनता की सेवा और जनता के हित में। जनता का जितना भी रोजगार बंद हुआ है, जितनी भी इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं बाहर शहरों में विदेशों में धक्के खा रहे हैं, उनका यही रोजगार मिले, यही अपने बच्चे पाले, यही रहे। आज तक कितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं सब बाहर के, एक आवाम को छोड़ के सारे ही बाहर के आए हैं। जनता को ठगा है रामपुर की, किसी ने रामपुर के रोजगार के बारे में नहीं सोचा। जैसे मोदी बंद हो गई, मोदी से कितने हजारों घर बंद हो गए, राजा टेक्सटाइल बंद हो गए, कितने हजारों घर बंद हो गए। कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बंद हैं, जिनमें से जिनका आज कोई खुलवाने का नाम तक नहीं लेता। रामपुर की जनता को ठगता है और चला जाता है। रामपुर की जनता भोली भाली है, उसको विश्वास में लेकर चला जाता है। तो इस बारे में यही कहूंगा मैं, अगर रामपुर की जनता ने मुझे चुना, इस जनता का मैं भरोसा दिलाता हूँ, जनता आधी रात को भी अगर मुझे याद करेगी तो मैं यहीं रहकर उसकी सेवा करूंगा और जितना भी रोजगार बंद है उसको मैं खुलवाने का प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक इंडस्ट्रियां लगाऊंगा। जी, अपना जो है आप चुनाव किससे मानते हैं? मैं अपना चुनाव किसी से नहीं मानता, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी से नहीं मानता। मैं सिर्फ एक ही आदमी से मानता हूँ, जिन्होंने जनता को ठगा है, जिन्होंने जनता को धोखा दिया है, ये उन्हीं से मेरा चुनाव। मैं इस जनता की देश की में भलाई करने के लिए आया हूँ। रामपुर की जनता के लिए मैं धन और धन से मन से सेवा करूंगा। जितने लोगों ने रामपुर की जनता को, भोली भाली जनता को ठगा है, यहाँ से लोगों को बनाया है मूर्ख और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के शहर में जाकर बैठ गए, रामपुर में दोबारा कोई आए नहीं, चुनाव के टाइम पे आए हैं, चुनाव के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। जितना रोजगार बनता आज तक कभी किसी रोजगार गरीब का नहीं खुलवाया। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग बेकार हो गए जो शहरों में जाके धक्के खा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा करप्शन बिजली का बहुत चल रहा है। बिजली के यहाँ आए दिन रेड पड़ती गरीब आदमी, उसके FIR हो जाती है, उस पर FIR हो जाती है। कहाँ से लाएगा? जिन फैक्ट्री में काम कर रहा है वो फैक्ट्री वाले पैसे नहीं दे रहे, एक फैक्ट्री की चार फैक्ट्रियां बना रहे, तो गरीब का पैसा नहीं दे रहे, उस पर बिजली का बिल भरने को नहीं है, किसी भी कारण से उस पर FIR कराई दी जाती है, झूठे रेड पड़ा जाती है। बात करें बीजेपी की, तो आप पहले बीजेपी में थे, आखिर क्यों पार्टी छोड़ना है? ये बीजेपी एक सेक्युलर पार्टी है, मैं माननीय शिवपाल जी के साथ जुड़ा हूँ, वो सेक्युलर पार्टी है, शिवपाल जी की राष्ट्रीय पार्टी है। शिवपाल जी के आदर्श तो मैंने देखे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर के साथ ही रहूंगा और जब तक जिंदा हूँ रामपुर की जनता के साथ, अगर मुझे चुनाव, रामपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा तन मन धन से, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर की जनता को, जितना भी आज तक कोई मेंबर पार्लियामेंट पूरा नहीं कर पाया, जितना भी लॉस रामपुर की जनता को हुआ है रोजगार की, उससे अधिक मैं रोजगार यहाँ पैदा करूंगा, उससे अधिक इंडस्ट्रियां लगाऊंगा।